एवरीवन नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं अपने चैनल दून रिएक्शन गर्ल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो बनने वाली है वो बनने वाली है शराबियों के ऊपर। जैसे हम लोगों ने और आपने काफ़ी ज़्यादा जगह देखे होंगे जहाँ पे लोग टुन होके इधर उधर नखरे करते हैं, वैसे शराबी भी कई प्रकार के होते हैं। शराबियों में कई लोग होते हैं जो पी के एकदम से शांत हो जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो पी के ना राम कथा सुनाने लग जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो पी के पूरा ड्रामा करना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि दुनिया भूल जाते हैं, अपनी दुनिया में मग्न हो जाते हैं। वैसे ये वीडियो उन्हीं के ऊपर बनने वाली है, तो उनके कुछ छोटी छोटी क्लिप्स देखेंगे हम जो बहुत ही मज़ेदार और एंटरटेनिंग होने वाली है। उनमें से कई आप लोगों ने देखी होंगी, पर फिर भी मैं आज इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। चलिए पहले हम वीडियो देखते हैं और आज इसी के ऊपर हमारी रिएक्शन वीडियो बनने वाली है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओहो, अपने सिर पे चप्पल से मार रहा है। शराबी और मीडिया, ये दो ऐसे नाम हैं जो अक्सर हमें एंटरटेन करते रहते हैं में और आजकल तो ये दोनों कहीं भी देखने को मिल जाते हैं। तो यार आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी अलबेले शराबियों से मिलाने वाले हैं जिसे देख आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। तो यार देर किस बात की, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसका टाइटल है फनी इंडियन शराबी पार्ट वन। अब भाई मिली इस मोहतरमा से जो शराब के नशे में फोन करके पुलिस तो बुला ली, पर सामने जब पुलिस आई तो उनके सामने ड्रामा करने लगी और साथ ही अपनी सहायता के लिए काली माता वाली सरस्वती माता वाली लेडीज पुलिस की मांग करने लगी। क्या नाम है तुम्हारा? राजी और वैसे कंप्यूटर पे राजकुमारी। फोन किए थे तुम 100 नंबर में? 112 नंबर फोन किए थे तुम? हाँ, 112 नंबर पे मैंने कॉल किया था धनी राम के वजह से। क्या बात हो गई? धनी राम पर होगा, पति तो नहीं होगा? धनी राम कह रहा मेरे साथ पर, मैं छोड़ छुट्टी दे चुकी हूँ, मैं उसके साथ नहीं पढ़ सकती। देखो तो कितनी ऐसी बात है, अब क्या चाहते हो? अब मैं इसको तलाक चाहती हूँ। और जॉन जॉन ने वो जॉन जॉन क्या दिया? कह दिया डिवोर्स। ना तो तुम खतरनाक दिखा रहे हैं। नहीं, ये तो हम ना इनका भेजेंगे, इन्हें तुम जो कहोगी वो इनके लिए करवा दें, साहब के लिए भेजेंगे। लेट जाने बर्दी वाली अच्छी दवारी भगवान। और मुसलमान नहीं, हिंदू। हिंदू आएगी मुसलमानी सरस्वती माता वाली महिला पुलिस चाहिए आपको। माता वाली प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और के मिलने के बहाने आ जा। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, रात के आ जा, भूत आएंगे अब और भाग जा। को देख के तो भूल भी नहीं आएंगे। अब यार जब बात शराबी इंटरव्यू की हो ही रही है तो फिर इस महाशय को कैसे भूल सकते हैं, जो पिछले 6 साल से भारत का राष्ट्रपति होते हुए भी साइकिल से चलने पर मजबूर है। अच्छा, आप राष्ट्रपति है? जी हाँ। क्या नाम है आपका? राष्ट्रपति श्री सूर्य देव ब्रिगेडियर अरुण सिंह। अच्छा, ब्रिगेडियर भी है। भारत सरकार अरुण भाई 786 SPCB ऑफिसर एंड DCP आजाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड सरकार डॉन नंबर 1 SP। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके बावजूद मैं राष्ट्रपति होते हुए मैं 6 साल से राजमिस्त्री काम कर रहा हूँ, करनी बसनी डोला रहा हूँ, तो आज तक के ना तो हमको मोदी जी मिलने के लिए आए, ना नीतीश जी मिलने के लिए आए, ना मोदी जी क्यों नहीं गए आप? बात सही है। अब भाई मिले इस चाचा से जो शराब पीने के बाद सोले का बेरू बन चुके हैं और दिन दहाड़े बसंती को नाचने से रोक रहे हैं। बसंती, इस कुत्ते के सामने मत नाचना। कबूतर, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तब थोड़ा मोटा हो जाएगा, जान तो है नहीं। बिल्कुल चुप। भाई मिले इस ताऊ से जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर कुछ ज्यादा ही भड़के हुए। जब तक जिंदा रहेंगे नीतीश सरकार को वोट नहीं देंगे। तो क्या हुई? दारू बंद हो गया। दारू दारू कहाँ बंद है? कौन कहता है दारू बंद है? कौन कह रहा है दारू बंद है, बताइए आप? कौन कह रहा है दारू बंद है? हम अभी दारू पी के टंच है। अब यार कुछ शराबी तो ऐसे होते हैं जो हर वक्त मदद के लिए तैयार रहते हैं। जैसे इस शराबी ने रिपोर्टर को ही बोल दिया, मर जाइएगा तो आपको भी हेल्प कर देंगे। अच्छा, क्या करते हैं आप?
गरीब है, पार्टी में काम करते हैं, शादी ब्याह मरने धरने सब करते हैं, तो मर जाएगा तो आपको भी हेल्प करेंगे, मर जाएगा तो आपको भी हेल्प करेंगे। वहीं कुछ शराबी तो ऐसे हैं जो बिस्तर से उठते ही शराब पीते हैं, पर भाई जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो ये दूध पी कर जाते हैं। ये बताइए महीने में कितने शराब पीते हैं? हम जब अपने बिस्तर से उठता हूँ तो मैं पहले नंबर उसी पर ध्यान देता हूँ। भगवान, आप जब चुनाव प्रचार करते हैं लालू जी के लिए या फिर आरजेडी के लिए, तो उस वक्त भी आप शराब पिए हुए रहते हैं? नहीं, उस समय नहीं पीता हूँ, उस समय दूध पी के निकलता हूँ। उस समय दूध पी के क्या सुबह सुबह आप ले लेते हैं? ए मारो इसको। हमको नहीं लग रहा है कि आप माने शराब पर ही ध्यान आपका क्यों है। इसलिए कि शराब बिहार में बंद है और आपके मुंह से इस वक्त शराब की बदबू आ रही है। बदबू पूरा बिहार से आ रहा है, हमारे मुंह से क्या आ रहा है? जो पब्लिकली ये स्वीकार कर रहा है कि वो पैसे लेकर किसी को भी वोट दे सकता है, चाहे वो कोई भी हो। वोट कर पैसा दीजिए तब वोट पड़ेगा, जब ये जनता होगी यार, समझे ना? काहे कि नहीं, एक बार आता है, पाँच साल के बाद एक बार आता है, कोई भी मंत्री हो चाहे मुखिया। आपको पैसा मिलेगा तब आप वोट दीजिए। हम दे देंगे, हम दे देंगे। भाई मिले इन महाशय से जिन्होंने इंटरव्यू का ऐसा मजाक बनाया जो आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हाँ सर, हाँ सर, हेलो। अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है बोलिए, क्या मतलब? अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। अब यार कुछ को तो शराब पीने के बाद इतना भी खबर नहीं रहता कि उनके आसपास आखिर चल क्या रहा है। कोरोना, कोरोना सुना है? कोरोना 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 लोग कहते हैं कि बहुत ही खतरनाक वायरस है, ये जान लेके जीव लेके छोड़ता है। तो क्या कुछ आप उसके लिए कुछ मजबूती रखते हैं? क्या क्या कोरोना से लड़ने के लिए आप क्या मजबूती रखे अपने पर? देखें देखें, हर इलाज की दवा। अब यार मिली इस बंदे से जिनसे पूछा गया कि देश संभालना किसका काम है, तो भाई इसने क्या जवाब दिया, जरा आप भी सुनिए। ये वतन संभालने का बच्चों का काम नहीं, ये बड़े बुजुर्गों का काम है। ठीक है, तो आप बच्चे के बुजुर्ग है? मैं बड़ा भी नहीं, बुजुर्ग भी नहीं, मैं बीच में का है। अच्छा। यही नहीं, अभी और सुनिए। पठान आपने भी देखी क्या? नहीं, मैं पठान नहीं देखा, मैं सुल्तान देखा। अब भाई मिले इस बंदे से जिनसे इस रिपोर्टर ने नदी के कटान के बारे में और नेताजी के काम के बारे में पूछा, तो आप भी सुनिए इसने क्या मस्त जवाब दिया। नदी कटाव कर रहा था तो मंत्री जी जब मंत्री बने थे तो मंत्री जी जब देखने आए तो बोला कि ये कटान थोड़े ना, ये धसान है, इसलिए मंत्री जी को खुद ही इस बार हम लोग भसा देंगे। भाई मिले इस दादाजी से जिनसे ये रिपोर्टर पहुंची जब कोरोना काल में इंटरव्यू लेने, तो ये कैसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हेलो, हम दारू पिए हुए हैं, हाँ कोरोना हमको है, बोलिए और कुछ बात? कोई बात नहीं। रिपोर्टर भी डर गई होगी। मांस मांस हम नहीं खाते हैं, मीट खाते हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, बहुत ही तेजस्वी लोग। हाँ, वीडियो देखी हमने शराबियों से भरे हुए, सारे के सारे बिहार से ही थे क्या? सारे बिहार बिहार बिहार। और रिपोर्टर वाले भी यार एकदम से पहुंच जाते हैं, अच्छे काम की जगह नहीं पहुंचते, जहाँ पे जागरूक करना होता, जहाँ पे चाहिए होती है मीडिया, वहाँ जाके पहुंच रहे जिन्होंने शराबी शराब पी रखी है और उनसे सवाल कर रही है कि क्या चाह रहे करें। अब वो जवाब तो वैसे देंगे ना, अब नशे में तो क्या देंगे। वैसे लोग बोलते हैं कि इंसान नशे में सच बोलता है, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। पर लास्ट वाला जो था ना, वो जो अंकल जी थे ना बुड्ढे वाले, वो वाला सबसे ज़्यादा अच्छा था, जिसमें अंकल जी कहते हैं हाँ हमने दारू पी है, हमें कोरोना है। सामने जो रिपोर्टर थी वो भी डर रही होगी कि सच में से कोरोना तो नहीं होगा, मुझे भी हो जाएगा। बाद उसने कहा आपका मास्क कहाँ है, मास्क? अंकल जी करीब ने नहीं, हम मास्क नहीं खाते हैं, हम मीट खाते हैं, मीट। वो वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक वो स्टार्टिंग में जो लेडी थी जिसने दारू पी थी और बोली थी मेरा तलाक हो गया है, कौन सा गाना गा रही थी वो? प्यार झूठा से ही वाला गाना गा रही थी। वीडियो अच्छी थी। शराबी वैसे
हंसाते भी बहुत थे, बेइज्जती भी बहुत करा था। अपनी फैमिली से तो नहीं होना चाहिए भैया कोई। और जो शराब पी के शांत तरीके से सो जाते हैं वो सबसे अच्छे होते, पी और अपने आप आराम से अपने कमरे में जाके चुपचाप सो गए। पर वो सबसे बेकार होते हैं जो दिन में भी शराब पी के बिल्कुल तमाशा कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रही दुनिया क्या चल रही इधर उधर। मैंने भी बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है दिन में भी, और लेबर लोग ज़्यादा होते हैं, लेबर भी कई लोग ऐसे, तो लेबर ही की क्या बात करें, वैसे नॉर्मल भी बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो दिन दहाड़े। होली में देख रहा इतने ज़्यादा लोगों ने भांग पी रहती, शराब पी रहती, बिल्कुल बे होली का ना कल्याण किया हुआ रहता है बिल्कुल बे बहुत ही बुरी तरीके से। इतने लोग यहाँ, कोई यहाँ पड़ा हुआ है, कोई वहाँ पड़ा हुआ, इतने देखने को मिलेंगे ना होली में, तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं शराबी। और उनकी हरकतें देखना, डांस देखना, किसी शादी के बीच में भी कोई शराबी टकरा गया तो उसका डांस बीच में अलग ही चल रहा होता है। तो आज की वीडियो हमारी शराबी के ऊपर थी, और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप लोग कहाँ से और कहाँ से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।